ये अमानत थी तुम जिसकी उसे सौंप रहा हो। मेरे लाल सुना, बीबियों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का होता है। बाप की आंखों में आंसू तो थे, मेरा कलेजा जा रहा, मेरे दिल का टुकड़ा जा रहा, मेरा चांद जा रहा, मेरे घर का नूर जा रहा है। बाप की आंखों में आंसू तो थे, मगर बाप ने हाथ पकड़ के उसके शौहर के हाथ में दे दिया निकाह के बाद रुखसती के वक्त। और जाते जाते शौहर की तरफ को देखा, आंखों में आंसू डब डबा रहे थे और कहने लगा, बेटा मैंने इसे अपनी जान से ज्यादा पाला है। मेरे लाल, अगर इसको तकलीफ हुई तो मुझे तकलीफ होगी, हो सकता कहीं ना कहीं नादानी कर दे। मेरे लाल, गुजर दर गुजर करते हुए चलना और बेटी से कह लो, मेरे लाल जा जा जा, अगर तुम्हारा बाप मरता भी हो और शौहर की इजाजत ना हो तो घर से कदम मत निकालना। घर से कदम मत निकालना। बेटी पीछे को पलट पलट के देख रही है। अब्बा जान, 20 साल घर में रही, 21 साल घर में रही, 22 साल घर में रही, एक मिनट में जुदा। लड़कियों का कलेजा होता कलेजा। बाज बाज शौहर इतना जालिम है, अल्लाह माफ फरमाए, छूटते ही उसकी माँ बहन की गालियां बका करता, आंगन में खड़े होकर गाली बकता ताकि मोहल्ले वाले सुने, शराब पी करके जूते चप्पल से मारा करता, जूते चप्पल से मारा करता, जूते चप्पल से। तुम्हारी 2 साल की 5 साल की बच्ची को थप्पड़ मार दे तो तुम खेल के रह जाओ, उसकी तो 20 साल की बच्ची है, तुम शराब पी के आगे उसे मार रहे। गालियां बकरा ऐसी गालियां बकरा ऐसी गालियां, मोहल्ले वाले कानों पे हाथ रख रहे वो जालिम है। लेकिन सुनो, इस पहलू को भी उठाऊंगा, जरा ये बात पूरी कर दूं। वो लड़की बार बार पलट के देख रही है, अब जान छोड़ के जा रही हूँ, अम्मी जान छोड़ के जा रही हूँ, सारे लोग खुश है मगर लड़की की आंखों में आंसू, बाप की आंखों में आंसू, माँ की आंखों में आंसू। लड़की शहर के घर चली गई, गुजर बसर हो रही है, मगर लड़की इतनी प्यारी थी, रोजाना रात को सूरह वाकया 3 मरतबा पढ़ पढ़ के अपने शौहर की उम्र और इज्जत के लिए, बरकत के लिए दुआएं करती थी, अपने शौहर की उम्र और इज्जत में ताकि बरकत हो जाए दुआएं करती थी। आज कहां है ऐसी बीबियां, कहां है ऐसी बीबियां, बल्कि इतना टेंशन में डाल देती हैं बाद बाद नौजवान को, उसे घर से निकलने ही नहीं देती। अगर वो आगे बढ़ना भी चाह रहा तब भी बढ़ने नहीं देती, कभी ये टेंशन कभी वो टेंशन कभी ये। अरे जब तुम उसे घर में फांस के रखोगी, कभी अम्मा से लड़ाई, कभी देवर से लड़ाई, कभी बहन भाई, वो बेचारा फैसला करते करते मर गया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की और दोनों मियां बीबी परेशान से रह रहे। बाप रोजाना करके देखा करता, मेरी लड़की मुस्कुरा के चला जाता है। कुछ दिन हो गए, एक दिन शौहर का चेहरा मायूस, शौहर का चेहरा मायूस। बीबी ने देख लिया, मेरा शौहर आज उदास क्यों है, मेरा शौहर क्यों उदास है। दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन हाथ पकड़ के बोली, एक बात बताओ, मैं तुम्हारी शरीके हयात नहीं हूं क्या, क्या मैं तुम्हारी तुम्हारे घर में तुम्हारी बीबी नहीं हूं क्या, कहा बात बताओ। कहा मैं 3 दिन से देख रही हूं, संभल के खाना तक नहीं खा रहा। उदास क्यों, परेशान क्यों, खुशी और गम में शरीक रहूंगी, बोलो। वो शौहर कहने लगा, बीबी परेशानी है, कई दिन हो गए मगर कारोबार ठप हो गया, अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा, जो मैं काम करता था वो बंद हो गया। तवज्जो रखे, कहा वो काम बंद हो गए। बीबी ने कहा, फिर तुमने क्या सोचा। तो शौहर बोला, मैं चाहता हूं कि बाहर चला जाऊं, दूसरी जगह चला जाऊं, वहां जाकर के काम कर लूं।
तुम्हारी क्या मर्जी है? तो बीवी कहने लगी, मेरे सरदार, दिल तो नहीं चाहता कि तुमसे जुदा कर दूं, मगर आपकी अगर मर्जी है, सही नहीं काम नहीं चलता तो आप जा सकते हो वहां पर काम करने के लिए। मगर शार ने फिर गर्दन नीचे जो कर ली, कब क्या हुआ का सुनो, मामला ये मेरे सरदार, तुम्हारा सर नीचे को क्यों है? वो बीवी कहने लगी, सर नीचे को क्यों है? तो शार बोला, तुम्हारा मैं का गाँव का है, तुम अपने मैं के चली जाऊंगी, मेरे घर में चराग कौन जलाएगा, घर में चराग कौन जलाएगा। वो कहने लगी सरताज, बीबी ने सुने, कहने लगी सरताज, आज के बाद ऐसी बात मत कहना, मेरा घर नहीं हमारा घर ही है, शादी से पहले मैं बाप के घर में थी, अब शादी के बाद मेरा तेरा नहीं हमारा घर है, मैं इंशाल्लाह नहीं जाऊंगी, मैं घर में चराग चलाऊंगी। लाइट का जमाना नहीं था, लाइट का जमाना नहीं था, अल्लाह, बिजली का जमाना नहीं, घर में डब्बी चराग जला करते थे। वो लड़की बोली, मैं रहूंगी। आज जो औरतें अपने अपने घरों से शोहरों की इजाजत के बगैर निकल जाती हैं, वो जरा जहन में रखें। वो लड़का, वो उसका शोहर चला गया, और जैसे ही शोहर काम करने के लिए गया, वो लड़की घर में रह गई, रोजाना कुरान पढ़ा करती है, कुरान पढ़ा करती है, और दुआएं करती है, और कहती है, मौला मेरे शोहर की इज्जत और उम्र और कमाई में बरकत दे, उधर शार कमाता चला जा रहा, इधर ही घर पे अकेली है और दुआएं कर रही है, बाप बेचारा दूसरे दिन तीसरे दिन रोजाना बेटी के हाल चाल पूछ के आता है, और कहता मेरे लाल घबराना मत, कुछ दिनों के बाद बाप की तबीयत खराब हो गई। अल्लाह, जब बाप की तबीयत खराब हुई, अब तू चल, मैं चल, सारे लोग देखने जा रहे हैं, अब ये लड़की कैसे घर से कदम निकाले, इसका तो शौहर ही नहीं है, और फोन और मोबाइल का जमाना ही नहीं जो पूछ ले। अब लड़की घर ही घर में चक्कर लगा रही है, कह रही है, मौला मेरे बाप की तबीयत ठीक कर दे, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा की तबीयत ठीक कर दे। उधर शार को पता नहीं मेरी बीबी किस परेशानी में, उधर बाप की तबीयत खराब है, मगर लड़की घर से बाहर नहीं जा रही है, अंदर ही अंदर घूम रही है, कुरान पढ़ लेती है, दुआ कर लेती है, सारे लोग देख देख के बाप को जा रहे, बाप ने देखा मेरी बेटी नहीं आई, बाप अपनी बेटी को याद करने लगा, छोटे भाई को बेच दिया, छोटे बेटे को बेच दिया, कहा जाओ बहन को बुला ला, छोटा भैया आ गया आंखों में आंसू, चलो अब्बा बुला रहे, तबीयत खराब है, नासाज है, कुछ बातें करना चाहते। इकलौती लड़की थी, का कुछ बातें करना चाहते, अब्बा चलो, वो बहन चलो, अब्बा बुला रहे। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, भाई का हाथ पकड़ के हालचाल पूछने लगी, मेरे अब्बा की तबीयत कैसी है? कहा बहन चल के देख लेना, कहा भाई कैसे चलूं कैसे जाऊं, मेरा शोहर तो है ही नहीं, मैं इजाजत किससे लूं, और शोहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना मेरे लिए जायज नहीं। इंतजार हो रहा था घर पे, माँ देख रही है और भाई देख रहे हैं, बहन आ रही होगी, बहन आ रही होगी, जब देखा तो वो छोटा भाई आ गया, बहन नहीं आई, पूछा क्या बात है, पूछा क्या बात है, कहा ये कह दिया कि बीबी को शोहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। वो बाप ने ठंडी सांस ली और कहा वाह बेटी वाह, जब तू रुखसत हुई थी मैंने तेरा हाथ पकड़ के कहा था, अगर तेरा बाप मरता भी हो तो शोहर की इजाजत के बगैर मत आना, बेटी आज तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया। मगर प्यार को कहां डाला, मोहब्बत को कहां डाला, थोड़ी देर बर्दाश्त करने लगा, बाप को सिसकियां हिचकियां आने लगी, मां से रहा नहीं गया,
दूध पानी जो कुछ दिया जा रहा है वो नहीं ले रहा, ये कह रहा है मेरी बेटी से दो बातें करा दो, मुझे बेटी से बुला दो। माले बेटिया का जाओ बेटी को बुला लो, फिर भैया रोता हुआ चला गया। बैल अब्बा के हालात खराब है, अब्बा जाने वाले पता नहीं कब तक तोड़ दे बैल चलो। अब्बा दो बातें करना चाह रहे, सिर्फ दो बातें कर लेना। इस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, ठंडी ठंडी गहरी गहरी सांस लेने लगती है। कहती है मौला मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया, अल्लाह मुझे सब्र दे। लड़की दुआएं कर रही है, कह रही है भैया मेरा शौहर नहीं है, इजाजत के बगैर मैं नहीं जा सकती। अल्लाह भैया फिर चला गया। अब बाप की नजरें दरवाजे पर गुथी, मेरी बेटी आ रही होगी। जब बेटी घर से जाती है बाप से पूछो चीख निकल जाती है, चीख कितने तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। माँ अगर हल्के दिल की होती उसमें भी बेहोश होकर गिर जाता, सबको अपनी बेटियां पसंद। अल्लाह अल्लाह भैया आ गया, इधर बाप बेटी को याद करते करते आखिरी लबों पर सांस है, उधर बेटी कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है। कुछ टाइम गुजरा बाप का इंतकाल हो गया, मगर बेटी नहीं गई। अल्लाह बाप का इंतकाल हो गया, फिर वो भाई रोता हुआ बहन अब्बा चले गए। लड़की ने चीख मारी घर के अंदर, कहा ओ भैया वो बाप मुझे देख नहीं पाया, मुझे ये पता होता तो मैं कभी शादी के लिए हाँ नहीं भरती। मगर सबसे पहले मुझे दिया करते थे, अगर पूछा करते थे तो मुझसे पूछा करते थे, मेरे साथ में बैठ के खाना खाया करते थे। आज वो मुझे याद करते करते चले गए, मैं कितनी कम नसीब हूं, मैं अपने बाप से बातें नहीं कर पाई। वो लड़की इतनी आंखों में आंसू, इतने आंखों में आंसू, पूरे आंसू बह जाते वुजू बना करके। फिर ये लड़की दुआएं कर रही है। आज लड़कियां बाप की इज्जत को नीलाम कर रही हैं। रात के एक एक बजे हो गया, रात के एक एक बजे बिस्तर पे लेटे हुए गैर लड़कों से बातें चल रही हैं, चैटिंग चल रही है, व्हाट्सएप चल रहा, फेसबुक चल रहा। बाप को धोखा दे रही है, माँ को धोखा दे रही है, भाई को धोखा दे रही है। बाप बेचारा बड़ी मुश्किल से इज्जत बना रहा है, इसलिए दो मिनट में इज्जत को उछाल देते, कोई परवाही नहीं है इसकी। ये सिर्फ माँ की ढील है, माँ की ढील, और तुम्हारी भी ढील है।